हाय दोस्तों, नमस्ते किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रेड कटलेट। ब्रेड कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में ब्रेड के स्लाइस को बारीक करके लेते हैं। अब हम इसमें 3 उबालकर कद्दूकस किए हुए आलू डालेंगे, एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, आधा कप कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे, 2 टीस्पून स्वीट कॉर्न डालेंगे, 2 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, बारीक कटी हुई धनिया पत्ता डालेंगे, आधा टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब हम इन सब को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम यहाँ पर बाइंडिंग के लिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम यहाँ पर हाथों से मिलाते हुए एक साथ कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा मिश्रण अच्छी तरह से जुड़ गया है। अब हम यहाँ पर हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पर मिश्रण का थोड़ा सा पोर्शन तोड़कर इसे गोल राउंड में कर लेते हैं और दोनों हाथों से चपटा करते हुए उसकी टिक्की बना लेते हैं। ये देखिए, हमारा कटलेट तैयार हो चुका है। अब हम मध्यम आंच पर गैस रखकर उस पर कढ़ाई रखेंगे और तलने के लिए तेल गरम कर लेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें कटलेट डाल लेते हैं। हमें कटलेट को सुनहरा रंग आने तक तल लेना है। दोस्तों, यहाँ पर हमें कटलेट को मध्यम आंच पर तलना है। हमारे कटलेट तलकर तैयार हो चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम एक कटलेट को तोड़कर देखते हैं। ये देखिए, अंदर से कितने अच्छी तरह से पक चुका है। ऐसी रेसिपी देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए।